हेलो फ्रेंड्स, देवांशी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल इडली के जैसा मैंने ढोकला बनाया है। इडली स्टाइल में आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है, बिल्कुल स्पंजी बनी है। ये देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल जालीदार बनी है। ये देखिए, तो इसमें मैंने क्या क्या सामान डाला है वो मैं आपको बताने चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे वीडियो आप जरूर पूरे देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने लिया 150 ग्राम बेसन, सूजी मैंने बिल्कुल बारीक ले लिया है, और दही 3 मैंने बराबर मात्रा में लिया है, और चीनी 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 2/2 छोटी चम्मच, नींबू का रस, और 1 पैकेट मैंने इनो लिया है। तो चलिए घर बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम रखेंगे छन्नी, और इसमें डाल देंगे बेसन। इसको अच्छी तरह से छानेंगे, इस तरह से। इसे छानने से क्या होगा, छानने से होगा फ्रेंड्स कि बेसन में अच्छी खासी हवा भर जाएगी, ताकि इसको हम घोल बनाएंगे नहीं गाँठे पड़ेगी नहीं लम्स पड़ेगी, तो ये करना जरूरी होता है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए बेसन हमने छान लिया है, अब इसमें छान लेंगे सूजी। अब इसमें हम दही को डाल देंगे, साथ में डालेंगे चीनी, स्वाद अनुसार नमक और नींबू जूस। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, हमें थोड़ा थोड़े पानी डालना है, ज्यादा हमें नहीं डालना होता है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने घोल लिया है, आपको दिखाती हूँ मैं। बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, नहीं ज्यादा गाढ़ा नहीं ज्यादा पतला, इस तरह से। ये देखिए, इसे 4 से 5 मिनट तक ले इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में घोलना है। फ्रेंड्स, आपको अगर ढोकला खाना है तो इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो 4 से 5 मिनट तक हम इसे इस तरह घोल लेंगे। ये देखिए, 4 से 5 मिनट मैंने घोल लिया है, अब इसको 15 मिनट के लिए टेस्ट करने के लिए रख देते हैं। मैंने गैस ऑन करके इडली कुकर चढ़ा दिया है, इसी में मैं ढोकला बनाऊंगी। तो मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है, अब इसको हम कवर कर देंगे। अब हम इडली प्लेट्स में ऑयल लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने दोनों प्लेट्स में तेल लगा दिया है। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे इनो, इसको जल्दी से मिलाना है इस तरह से। ज़्यादा से चलाना नहीं है, और जल्दी से हमको इडली प्लेट में ट्रांसफर करना है। ये देखिए, अब इसमें हम जल्दी से डालेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, पानी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें प्लेट्स को बिठाएंगे। अब इसे हम ढक देंगे अच्छी तरह से, आंच को पूरा धीमी रखें। इसे 25 से 30 मिनट तक ले जाएगा पकने में, तब तक चलिए हम चटनी बनाकर रेडी करते हैं। ये देखिए, चटनी बनाने के लिए हम गैस ऑन करके फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों तेल, अब इसमें हम डाल देंगे 1 सूखी मिर्च, और 1 कटोरी मैंने चना डाल लिया है, इसमें डाल देंगे। इसको बस
दो से तीन मिनट तक हमें भूनना है। ये देखिए हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। ये देखिए दाल ठंडी हो चुकी है, अब इसमें मिर्चा दाल में डाल देंगे, इसको हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमें डालना है दो लहसुन, आधा गिलास पानी, इसे हमें बारीक पीस लेना है। ये देखिए मैंने बारीक पीस लिया है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी देख के इसे पतला कर लिया है। अब इसमें चलिए हम तड़का लगाते हैं। ये देखिए मैंने गैस ऑन करके फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच सरसों तेल, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसे हम गर्म होने देते हैं। ये देखिए तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे सरसों। ये देखिए सरसों चट चुकी है, अब इसमें डालेंगे एक पिंच हींग और मैंने 10 से 11 कड़ी पत्ते मैंने लिया है। कड़ी पत्ते से अच्छी खुशबू आती है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। ये देख सकते हैं थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, इसमें और हम पानी डालेंगे करीब आधा गिलास। ये देखिए 25 मिनट हो चुकी है। अब इस तरह के हम लेंगे स्टिक और देखेंगे इसमें डाल के ये अच्छी खासी पकी है नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं इसमें चिपक रही है, यानी कि पक चुकी है। तो हम फ्लेम ऑफ करते हैं। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तभी हम इसमें निकालेंगे, इससे से निकालेंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। देख सकते हैं कितना दानेदार बना है ये। अब इस तरह से हम सभी को निकाल लेंगे। ये देखिए सभी को मैंने निकाल लिया है, इसमें हम तड़का लगाते हैं। ये देखिए मैंने गैस ऑन करके तड़का पैन मैंने चढ़ा दिया है। दो चम्मच मैंने सादा तेल इसमें डाला है, सरसों तेल नहीं, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सरसों, थोड़ी सी मैंने नारियल घिस के लिया है, और थोड़ी सी मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं 10-12 कड़ी पत्ते, और 5 से 6 पीस मैंने मिर्ची लिया है जो मैंने इसे लंबा लंबा स्लाइस पीसेस में कट कर लिया है। तो तेल तो गर्म हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे सरसों, अब इसमें डालेंगे मिर्ची। तेल ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नारियल, अब इसमें डाल देना कड़ी पत्ते, आप देखिए हम इसमें सभी अच्छी तरह से डाल देंगे इस तरह से। अब हम थोड़ी घिसी हुई नारियल थोड़ा सा गार्निश करेंगे इस तरह से। देखिए मैंने इडली स्टाइल में ढोकला बना के रेडी कर लिया है, ये चटनी भी है, देख सकते हैं आप। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और घर में अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।